भाष्य चलेगा। घटादि स्थानीयास्तु तो देहादि संगाता, देहादि संगात घटादि, जिस दृष्टांत में क्या था घटादि, तस्थानापन समझो दृष्टांत में देहादि संगात उपाधि है। स्वप्रदृश्य देहादिवत, और अभी कैसा, लेकिन मिथ्याभूत सत्य नहीं समझना उसको, उपाधि को, इसे कहते हैं स्वप्नदृश्य भूता देहादि के समान माया विकृत देहादि वच्छ, अथवा मायाविक के तरफ बनाया गया देहादि के समान समझो। यही शंका थी उसको, सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो, उसको खंडन कर रहे कि नहीं हो सकता। आत्ममाया विसर्जिता, श्लोक में आता आत्ममाया विसर्जिता, उसके लिए कह रहे हैं आत्मनो माया मैंने अविद्या, अपनी माया का मतलब क्या, अपने स्वरूप संबंधी अविद्या अज्ञान, उसके द्वारा तया प्रत्युपस्थापिता, उसके द्वारा उपस्थापित है, विरचित है, दिखाया गया है, न परमार्थ संति, कहने का तात्पर्य परमार्थ तत्व नहीं है इत्यर्थः। यदि आधिक्यम अधिक भाव तिर्य देहादि अपेक्षा देवादि कार्यकरण संघातानाम, यदि वह सर्वेशा समतव नैशा उत्पत्ति संभव सद्भाव प्रतिपादक हेतु विद्यते नहीं विद्यते। कहते कि देखो, यदि कहीं आपको ऐसा लगता है तिर्य देहादि की अपेक्षा से देवादि कार्यकरण संघात में कुछ अधिकता है, कुछ उत्कृष्टता है, अथवा यदि वह सर्वेशां समदैव, अथवा कहीं हो सकता है आपको सब कुछ समान ही दिखाई देवे, चाहे जैसा भी हो, ऐसा उपत्ति न संभव, इनको सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा दृढ़ युक्ति नहीं है, मैंने सद्भाव प्रतिपाद हेतु न विद्यते, इनके सद्भाव उनके अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिए कोई भी हेतु हनुमान आदि के द्वारा भी सिद्ध करने के लिए कोई हेतु विद्यमान नहीं है। नास्ति अस्मात् तस्माद् अविद्या कृतैव, जिसलिए इनके उत्पत्ति स्थिति या लय के कारणों को बताने में कोई हेतु नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा ये सब कुछ अविद्या कृता एव, इस अविद्या कृत ही है, न परमार्थ संति तीर्थ, परमार्थ ते नहीं है, यही इसका तात्पर्य है। ब्रह्मादि देह को आप उत्कृष्ट मानते हैं, अपने सब मनुष्यों को समान मान लेते हैं, चाहे समानता मानने में, चाहे उत्कृष्टता मानने में, या निकृष्टता आदि मानने में, किसी भी प्रकार का कोई युक्ति आपके पास नहीं है, अतएव इनको सबको अविद्याकृत ही उत्कृष्टता, अविद्याकृत ही निकृष्टता से मानना पड़ता, क्योंकि वस्तु में ना उत्कृष्टता ना निकृष्टता है ना, आपके मैंने बुद्धि ग्रहण कर रहा है उत्कृष्ट है तो ग्रहण है, कुछ देर बाद आपको कुछ अरे तो बेकार है तो बेकार है, फिर आपके ग्रहण करने के ऊपर हुआ ना, वस्तु में क्या है ना, वस्तु तो वैसे का वैसा, अभी पहले भी वैसा, अभी भी वैसा है, फर्क कुछ थोड़े पड़ता है, पहले अच्छा लगा खरीद लिए, आप किसी भी कारण वैसे बेच दिए, एक आश्रम खरीदा उसको बेच दिया, पहले सोचे होंगे भाई ठीक ठाक है सब, और बाद में चारों तरफ उल्टे पलटे लोग आ गए तो क्या करेंगे, तो बेचना पड़ा, यही होता है ना संसार में, तो इसलिए यहां भी कहते हैं ये उत्कृष्टता निकृष्टता एक ही वस्तु में भी हो सकती है, अलग अलग वस्तु में भी हो सकता है, सब कुछ आपकी अपनी ही परिकल्पना है, वास्तव में न वस्तु है न वस्तु में उत्कृष्टता निकृष्टता आदि हो सकते हैं। जीव से अद्वितीय ब्रह्मत्व उत्पत्ति अवष्टम्बेन उत्पादितम, इस प्रकार से जीव को अद्वितीय ब्रह्मत्व युक्तियों के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, दस कारिकाओं से युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा भी स्थापना कर दी थी। अब युक्ति के द्वारा स्थापित जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का समर्थन में अनेकों श्रुतियों को भी विचार किया जाएगा। वे कह रहे हैं उत्पत्त्यादि वर्जितस्य द्वयस्य अस्य आत्मतत्वस्य श्रुति प्रमाणगत प्रश्नार्थम वाक्यानि उपन्यस्यन्ते। उत्पत्त्यादि से रहित अद्वैत इस आत्मतत्व का श्रुति प्रमाण तत्व को दिखाने के लिए अनेक उपनिषद वाक्यों को लेकर के विचार प्रकट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनमें तैतृय उपनिषद को लिया जा रहा है।
रसादयो ही ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः। रसादयो ही ये कोशा तैत्तिरीयके माने तैत्तिरीय शाखा के परिषद में अन्न रसमय आदि कोशों को स्पष्ट रूपेण विशेषेण व्याख्याता विस्पष्ट रूपेण व्याख्याता विस्पष्ट रूपेण विवेचन करके बताया गया है। तेषाम उन समस्त कोशों का आत्मा परो जीवः, जो आत्मा जीव समझते हो वही परात्मा है, परमात्मा है। कैसे हो भी खम यथा आकाश के समान परमात्मा ही उन सकल कोशों के अंतरतम आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसा रूप से बतलाया गया है। संप्रकाशित सभी का अंतरतम, जिस प्रकार से यहाँ दृष्टांत पहले समझाया गया था आकाश, उसी प्रकार से दृष्टांत में समझना वह परमात्मा ही है जो अंतरतम जीवात्मा है, इस बात को तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है। सवाय पुरुषो अन्न रसमय इत्यादि के द्वारा व्याख्यात है। कोश ही वह कोश है जिस खड़गादियों का तलवार का म्यान होता है, म्यान के समान म्यान है, ये भी कोश के समान कोश है। म्यान में तलवार को रखते हैं आप, उसी प्रकार मानो ये शरीर के अंदर आत्मा अनुभव में आ रहा है हृदय में, इसलिए उसको कह दिया कोश नाम से। ये शरीर क्या है? कोश है। इसके अंदर जो तलवार क्या है? वो आत्मा है। कोश ही वह कोश कहेंगे, देखिए भाष्यकार रसादयो अन्न रसमय प्राणमय इत्यम्माद्य अन्न रसमय ऐसे कह दिया, दो एक से लेकर के दो छह तक कहा गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तो है ना पांच। छह मंत्रों में दो एक से लेकर के दो छह तक विचार करते हुए समझाया है। इत्यम्माद्य कोश इव कोश अस्यादे इव उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया बहिर्भावात् पूर्व पूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टम् आख्याता कुत्र तैत्तिरीके तैत्तिरीय शाखोपनिषद् वल्ल्याम्। कोश के समान कोश है और दृष्टांत समझा रहे हैं। अस्यादे असि मने तलवार, तलवार आदियों का जिस प्रकार से कोश होता है, म्यान होता है, जिस तलवार को छिपा कर रखते हैं, बंद करके रखा जाता है, उसके समान अस्यादि। क्यों ऐसे कहा आपने कि उत्तरोत्तर से अपेक्षा बहिर्भाव, क्योंकि उत्तरोत्तर जो अंदर आ जा रहा है प्राण है उत्तर, उसके उत्तर क्या है? मन, उसके उत्तर विज्ञान, उसके उत्तर में आनंद। उत्तरोत्तर की अपेक्षा से पूर्व पूर्व कैसा है? बहिर्भाव में स्थित है। जब तलवार अंदर है बाहर क्या है? म्यान है। सर प्राण में कोश अंदर है, उसके बाहर क्या है? अन्नमय कोश है। मनोमय कोश उससे भी अंदर है, उसके बाहर कौन हुआ? प्राणमय कोश है। इस प्रकार से आपको लेना है, इसलिए कहते हैं उत्तर उत्तर की अपेक्षा से पूर्व पूर्व का बहिर्भावात बहिर्भाव देखने को मिलता है, इसे कोश के समान कोश कह दिया गया। इसे कहा व्याख्या व्याख्यात ने विस्पष्ट रूपेण आख्यान किया गया, कथन किया गया है। कहा तैत्तिरीयक में अर्थ तैत्तिरीयक शाखा के उपनिषद का वल्लियों में स्पष्ट कहा है। पूर्व पूर्व जन्म में आदि है, उत्तरोत्तर प्राण में आदि की अपेक्षा से बहिर्भाव देखने को मिलता है, और इसलिए सर्व सर्वांतर कौन हुआ? सबसे भीतर ब्रह्मो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इसे अंत में आया। वानमय का भी भीतर कौन है? पुच्छम प्रतिष्ठा का भी, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। सर्वांतर ब्रह्म प्रतिष्ठा भूतम अपेक्षा आनंदमय से बहिर्भाव, इसलिए प्रतिष्ठा का भूता सर्वांतर ब्रह्म की अपेक्षा से आनंदमय को भी हम क्या कहते हैं? बहिर्भाव। आनंदमय को भी बाहर मान लिया, वो भी कोश है। वो क्यों? उसकी प्रतिष्ठा कौन है? ब्रह्म है, वो सर्वांतर है। सर्वांतर ब्रह्म की अपेक्षा से, प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म की अपेक्षा से आनंदमय को भी बहिर्भाव मान करके अविशेष रूपेण पंच कोशत्व कथन हुआ। तेषाम कोशानाम आत्मा, उन कोशों का आत्मा, ये न आत्मना पंचापि कोशा आत्मवंतो अंतरतमेन,
जिस आत्मा की वजह से पांचों के पांचों कोष भी जो जड़ात्मक होता हुआ भी आत्मवान हो गए, चेतन वाले हो गए। क्यों? अंतरतमेन, उनके अंतरतम, एक से भी अंतरतम, दूसरा दूसरे से अंतरतम, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, छठा जो अंतरतम है वह प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है, ब्रह्म है। सही सर्वेशां जीवन निमित्तत्वात् जीव, वही सकल जीवों का जीवन का निमित्त होने के नाते, सभीों के जीवन का निमित्त होने के नाते उसको जीव कह दिया। जो अधिष्ठान भूत प्रतिष्ठा है, जिस पर पांचों कोष हैं, वो अधिष्ठान को ही जीव नाम दिया, उन्हें ब्रह्म को ही जीव कह दिया। क्यों जीव कह दिया उसको? कि सकल उपाधियों के, सकल कोषों के जीवन का निमित्त होने से, जिस क्षण वह हट गया, वह विशिष्ट रूपता मिट जाए तो क्या हो जाएगा? ये कोषों में जीवन नहीं रहेगा, सारे कोष मर गए, है कि नहीं? इसलिए तो आपने कहा ही है, किसके प्रकाश से आप देख रहे थे? सूर्य आदि के प्रकाश से। ये विलय हो जाए तो चक्षु से, चक्षु विलय हो जाए तो मन से, मन विलय हो जाए तो बुद्धि से, बुद्धि का भी साक्षी कौन है? ऐसे एक श्लोक वेदांत में स्पष्ट कर दिया ना, ज्योतिर ब्राह्मण के आधार पर बुदाने का किं ज्योतिराख्या ही में कोस हो वो कौन है वो इत्याह, पर ये है वह आत्मा, कोई और नहीं हो जीव। इन पांचों कोषों के जिंदगी का कारणीभूत है, जीवन का जो निमित्त है, जो जीव है, वह कौन है? कोई कहते और कोई नहीं, वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, पर ये आत्मा। यह पूर्वम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म प्रकृत, जिसको जो है दो एक में, उसी तैतृ प्रतिशत का दो एक में प्रतिज्ञा रूपेण कह दिया था, जो सबसे पूर्व में सबसे पहले प्रतिज्ञा रूपेण कह दिया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, दो एक में कहा था, प्रकृत ही था प्रकरण। यस्माद् आत्मन स्वब्रह्मायादिवद् आकाशादि क्रमण रसादि कोश लक्षणाः संगाताः आत्ममाया विसर्जिता इत्युक्तम्। इसलिए आत्मा से स्वप्न माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से, तस्माद् तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायुर्वायु अग्नि, ये तो कहा ना, आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी इत्यादि सब कहा गया है वहां पे। आकाश आदि क्रमेण रसादि कोश लक्षण संघात, अन्न रसादि अन्नमय कोश, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय रूप कोशात्मक संघातों का वर्णन हुआ, दो एक से छह तक। दो एक का शुरू में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, दो एक में ही अनुमय कोश के लिए शुरुआत कर दिया था, वहां से शुरू करके दो छह तक आपका अनुमय कोश का वर्णन हुआ, जिसको यही पूर्व कारिका में दसवीं कारिका में क्या कहा था? आत्माया विसर्जिता कर दिया था, आत्मा की अपनी ही स्वरूपभूत तत्स्वरूप का स्वरूपता जो सच्चिदानंद रूपता है, सत्यानंद रूपता है, इसकी अविद्या, इसके अज्ञान, इसके माया से विसर्जित है, विशेष रूप में सृष्ट है, ऐसा वर्णन हुआ। इत्युक्तम सो आत्मा अस्माभिर यथा खम तथा, वह आत्मा हम लोग उसी प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए जिस प्रकार से खम तथा इति संप्रकाशित, आकाश के बारे में हमने तीसरी कारिका में से शुरू कर दिया था, आकाश का दृष्टांत दिया ना तीसरे में, इस प्रकरण का तीसरी कारिका में आकाश को दृष्टांत बनाकर समझाने समझने शुरू कर दिए थे, तो वहां लेना। कम तथा इति संप्रकाशित आत्मा ही आकाशवत इत्यादि श्लोक ही, आत्मा ही आकाशवत इत्यादि कारिकाओं के द्वारा, तीन तीन है ये, इत्यादि कारिकाओं के द्वारा पहले ही बता चुके हैं। इसलिए न तार्किक परिकल्पित आत्मवत पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य इति प्राय, तार्किकों के द्वारा परिकल्पित आत्मा के समान पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य है, ऐसा मत समझो। पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य का दो अर्थ कर रहे हैं, देखिए बुद्धि जनक, बुद्धि मने नया कार्य के पक्ष में क्या बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान, बुद्धि किसको कहते हैं? वो ज्ञान को कहते हैं ना, बुद्धिर्ज्ञानम सर्वारहेतर बुद्धिर ज्ञानम। बुद्धि जनक प्रमाण कौन हो गया? इंद्रिया मन आदि, उनके द्वारा गम्य है ऐसा मानते कुछ तार्किक, क्योंकि मीमांसक भी तार्किक है ना,
क्या बोलता है, प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान के साथ में विषय, विषय का ज्ञान और आत्मा तीनों प्रकाशित हो जाता है, एक साथ तीनों प्रकाशित हो रहा है, विषय भी, विषय का ज्ञान और इन दोनों को प्रकाशित होना आत्मा, ये तीनों प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे उनकी मान्यता है। ये मान सकते हो उस मत के श्रोण क्या है, इंद्रियों के द्वारा गम्य हो गए ना, फिर इंद्रियों के साथ घट और घटक ज्ञान के साथ साथ में आत्मा भी प्रकाशित हो गया, तीनों का ज्ञान हो गया ना, आत्मा का भी ज्ञान हो गया, इंद्रिय से हो गया। अथवा दूसरा पक्ष नहीं है कौन, अब पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाणम, पुरुष बुद्धि के द्वारा, पुरुष का बुद्धि मने या मन, पुरुष का अंतकरण जो मन है उसके द्वारा उद्भावित जो प्रमाणम अनात्म शास्त्रम, उसे परिकल्पित अनात्म संबंधी जितने भी शास्त्र है, न्याय वगैरह सारे दर्शन को अनात्म शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्र तदगम्य, उनके गम्य मान लिया गया आत्मा को उन्होंने, इत्यभिप्राय यह उसका अभिप्राय। किंच अधिदेव अध्यात्म तेजमय अमृतमय पुरुष प्रतिव्याद्यंतर्गत यो विज्ञाता परेवात्मा, इतना ही नहीं आप वृदांड के परिषद को ले रहे हैं, मनुष्य हम, प्राणी हम, प्रमाता हम, कर्ता हम, भोक्ता हम, यदि पंचानाम विशिष्टानाम यदि एकम स्वरूपम अनुगतम प्रत्येक चैतन्यम तद ब्रह्मैव इति जीव परिवर ऐक्य तैत्रीय श्रुते है तात्पर्य मुक्त तत्री वृदांड की श्रुते रपी तात्पर्य माह द्वयोर इत्यादि अवतरण का, मनुष्य अहम पहले, प्राणी अहम, प्रमाता अहम, कर्ता अहम, भोक्ता अहम, ऐसे पांच जो विशिष्ट ज्ञान आपको होता है सामान्य रूप में प्रत्येक जीव को होता है, इस प्रकार से प्रतीयमान प्रत्येक जीवों के अंदर अनुभव किया जाता है पांच विशिष्ट ज्ञान, देहादि विशिष्ट चैतन्य का जो ज्ञान हो रहा है चैतन्य अभिन्नों का, जो एकम स्वरूपम अनुगतम, जो एक स्वरूप आप अनुगत अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक चैतन्यम तद ब्रह्म, वह प्रत्यक्ष और कुछ नहीं वह ब्रह्म ही है, यदि जीव पर ऐक्य है, ऐसे जीव और पर की ऐक्यता कथन करने में जिस प्रकार तृतीय श्रुति तात्पर्य कथन आपने वर्णन किया, उसी प्रकार वृद्धारण्यक श्रुति को भी तात्पर्य को बताने के लिए अगली कारिका आरंभ हो रही है, उसमें भी मधु ब्राह्मण को ले रहे हैं, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्या मुद्रे चैव यथा आकाश प्रकाशितः, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने, मधु ज्ञाने मैंने मधु कांड है, मधु कांड बोलते हैं कि तीन कांडों में है, यदि पूरा बृहदारण्यक चार कांड आठ अध्याय है उसमें से पहला दो अध्याय पर भाषणी प्रवर्गी कांड बोलते हैं, फिर बाकी दो दो अध्याय का तीन नाम रख दिया, मधुकांड, मुनिकांड, याज्ञवल्क कांड अथवा अंत में खिलकांड, तीन कांड तीन गुणा छह अध्याय जिस पर भाष्य है, उसमें जो मधुकांड में मधुज्ञान मैंने मधुज्ञाने मैंने ब्रह्म ज्ञान जिस मधुकांड वर्णन किया गया, ब्रह्म ज्ञान के प्रकरण में द्वयोर द्वयो हो प्रत्येक में क्या किया, अध्यात्म और अधिदैव भेद से, अध्यात्म में अंतर्यामी को बता दिया सर्वांतरतम क्या है, इस तरह अधिदैव में भी सर्वांतरतम बताते हैं, इस तरह से लोक में जैसे ही पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश अनुमान से बतलाया गया है तो आकाश प्रकाशित, इस पृथ्वी में बाहर में क्या है जो आपको दिख रहा है महाआकाश दिख रहा है, जैसा वैसे पेट के अंदर में भी एक सामान्य आकाश, जो पृथ्वी आदि बाहर में है वही पेट में है, एक ही आकाश अनुमान से आप निश्चय करते हैं, उधर के अंदर भी पानी हम डाल रहे हैं, जब पानी डाल रहे मैंने आकाश है ना, नहीं तो कैसे अंदर चला जाएगा, जहां ठोस है वहां अंदर जाएगा, नीचे गड्ढे में जाता है दीवार में तो घुसता नहीं पानी, दीवार और पानी छोड़ोगे तो क्या होगा, पाइप लगाओगे तो उल्टा मारेगा वो, और गड्ढे में पाइप डालोगे तो भर जाता है, तो क्या मान लिया आपने तब, जहां हम पानी डालेंगे यदि वहां आकाश हो तो भरेगा नहीं तो बाहर फेंक देगा, उल्टा फेंकते हैं ना, यही लोग व्यवहार में सिद्ध है, इस लोक के रन ने निर्णय ले लिया यथा अस्मिन अस्याम पृथिव्याम बाहर बहि महाकाश अस्ति तदुद अस्मिन शरीर पे उतरे आकाश अस्ति जलेन पूर्णा, हेतु है जल से पूर्ण होने से, यथा घट घटाकाश वक्त
इस प्रकार से आपने जैसा लोक निर्णय लेते हो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं बृहदारण्य उपनिषद में, मधु ब्राह्मण के अध्यात्म आदिदेव इन दोनों स्थलों में एक ही ब्रह्म प्रकाशित किया गया, एक ही ब्रह्म, जैसे एक ही आकाश बाहर और पेट में, उस एक ही ब्रह्म अध्यात्म आदिदेव में सर्वत्र है ये स्थापित किया है। उसे भी स्थापित निश्चय हो गया ये जीव क्या है, ब्रह्म ही है। किंच अधिदेव अध्यात्म तत्तेजमय अमृत पुरुष पृथ्वी अंतर्गत यो विज्ञात परेव आत्म ब्रह्म स्वरमिति द्वयोर द्वयोर इत्यादि। मधु ब्राह्मणे द्वितीय अध्याय से पंचमे ब्राह्मणे, देखो नीचे नौ नंबर टिप्पण मंत्र भी दे रहे हैं। यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधो अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधो यस्यम पृथिव्याम तेजमय अमृतमय पुरुषो यश्च यम अध्यात्म शरीर शारीरस तेजमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इत्यम् आदिरूपः। दो पांच एक से शुरू करके दो पांच चौदह तक चलता है, चौदह पर्यायों में कहा, एक दो बार नहीं, एक बार बोलने से आदमी के दिमाग में घुसेगा नहीं ना। इसे चौदह पर्यायों में पृथ्वी जल अनेकों लेकर अनेकों चीजों को लेकर समझा दिया, प्रत्येक का अध्यात्म और अधिदेव। यम पृथ्वी कह दिया, ये पृथ्वी कैसी है, सकल भूतों का सार है। भूतानाम मधु मने सार, ये सकल पुष्पों का सार क्या होता है, मधु, मध, मध बोलते हैं ना मराठी में शहद, मध बोलते हिंदी में शहद बोलते हैं, संस्कृत में मधु कहा जाता है। सकल भूतों का सार क्या है, ये पृथ्वी, पृथ्वी सर्वाणी भूतानि मधु, और पृथ्वी और पृथ्वी का भी सकल भूत क्या है, सार है। क्योंकि पृथ्वी का सार आप कैसे हो गए, क्योंकि पृथ्वी में बनता ना चावल दाल सब, ऐसा खा पी करके आप बन जाते हो, उसके सार के समान आप सार हो गए, दोनों तरह हो गए ना। सकल भूतों का सार पृथ्वी, हमारे कर्म की वजह से पृथ्वी टिकी है, हम लोग के कर्म की वजह से पृथ्वी टिकी है, जिन्हें हम लोग कर्म खत्म हो जाएगा पृथ्वी स्वाहा प्रलय हो जाएगा। सकल जीवों का कर्म भोग जिस समय समाप्त हो जाएगा उस समय सब प्रलय हो जाएगा। भूतों का सार पृथ्वी और पृथ्वी का सार भूत, दोनों में थोड़ी अंतर है। जो भूतों का सार पृथ्वी जब कहेंगे कर्म की दृष्टिया, और पृथ्वी का सार भूत कहेंगे खाने पीने के बन गए ना ये सब हट्टे घट्टे, इसके दृष्टिकोण दोनों तरफ से है मधु। यश्चम पृथ्वीयाम तेजम अमृत पुरुष, इसलिए इस पृथ्वी में जो तेजम अमृत पुरुष का अभिमानी देवता है, और जो आप अध्यात्म में शारीर जो शरीर के अंदर विद्यमान तेजम अमृत पुरुष है, अयम एव स वही यह है, कोई दूसरा नहीं, यो यम आत्मा जो यह आत्मा है, यह अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है, इत्यम मादरूप सेवा समझाया गया है। उसको भाषण में किंच और भी बात सुन लो, हाँ केवल तैत्री में नहीं बृहदारण्यक में भी कहा गया है, अधिदेवम अध्यात्म च, अधिदेव और अध्यात्म। अधिदेव कौन है, पृथ्वी को लेकर के बताया गया, और अध्यात्म क्या है, शरीर को लेकर के। इसमें जो अनुभव में आ रहा है आपको, तेजमय अमृतमय पुरुष पृथ्वी आदि अंतर्गत हो, यो विज्ञाता पृथ्वी आदि के अंतर्गत जो तेजमृत पुरुष है, और शरीर के अंतर्गत जो तेजमृत पुरुष विज्ञाता है, परेव आत्मा ब्रह्म स्वरमिति, पर ब्रह्म परमात्मा ही है, वही सब कुछ है। थी द्वयोर द्वयोर आद्वैत ख्यात, कहां तक कह रही है, दो दो भागों में, जब तक द्वैत समाप्त न हो जाए, परम ब्रह्म प्रकाशितम आद्वैत ख्यात परम ब्रह्म प्रकाशित। आद्वैत ख्यात का व्यर्थ कर रहे, देखो द्वैत कालीन ब्रह्म उपदेश, देखो क्यों ब्रह्म का उपदेश भी कब होता है, द्वैत कालीन, जब तक ये गुरु शिष्य भेद बुद्धि है, और जब तक आपको लगता है मैं अज्ञानी हूं मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक ये सब कुछ चल रहा है। वही करे जब तक ब्रह्मोपदेशस्य द्वैतकालीनत्वात् तदानीं तब तक द्वयोर्द्वैति द्वैतोक्ति, इसे तब तक ये द्वैतोक्ति है। अच्छा द्वैतोक्ति जो है अवरुद्ध नहीं है, अवरुद्धा सापि अनुवाद रूप, क्योंकि यह भी अनुवाद है, जो अज्ञानी को दिखाई दे रहा है उसको अनुवाद करके श्रुति कर रही है, नहीं तो वास्तव में न अध्यात्म है न अधिदेव है न कुछ भी नहीं, पैदा ही नहीं हुआ जगत, न पुनः प्रतिपादिका। इसलिए ये अनुवाद रूप होने के नाते ये मत सोचिए कि कोई अपूर्व विधि करके वास्तविक सत्यता खत्म किया जा रहा है इन उपाधियों में,
बाधा प्राक अवस्थितम अध्यारोप कालीनम एव, क्योंकि बाध से पहले अवस्थित होने के नाते ये सब अध्योर अध्यारोप कालीन है। द्वैताम द्वयोर्द्वरिति अनुद्यते, न तो मोक्ष काले भी तो सत्व विवक्षते, मोक्ष कालीन के अस्तित्व का कथन करना इष्ट नहीं है। किंतु तत्र प्रतिपादिषितम, फिर वह क्या प्रतिपादन करना इष्ट है? आद्वैत क्षात परम ब्रह्म प्रकाशितम, भाष्यकार कहते हैं इसलिए वह क्या उपदिष्ट है? परम ब्रह्म ही प्रकाशित है उन सकल कथन के द्वारा। क्वा कहाँ ये दो 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 भागों में प्रकाशन किया गया ब्रह्म को? इत्याह ब्रह्मविद्याख्यम मधु, मधु क्या चीज है? ब्रह्मविद्या का दूसरा नाम मधु है। अमृतम मैंने अमृतत्वम, इसका नाम मधु क्यों पड़ा? मोद हेतु तत् मधु, आनंद का कारण होने से इसको मधु कह दिया गया। शहद भी आनंद के कारण है, कड़ू ही दवाई है, शहद के साथ ही तो बड़ा बच्चा प्रेम से ले लेता है, आनंद का कारण हो जाता है। वैसे भी शहद शरीर के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई अनेक प्रकार से। विज्ञायते यस्मिति मोदन हेतुत्वात्, विज्ञायते यस्मिति मधु ज्ञानम, और ज्ञान होता है जिसमें, इसे उसको ज्ञान भी कर दिया। मधुत्व और ज्ञानत्व दोनों मोदन का कारण होने से मधुत्व है, और जिसको पढ़ने पर आपको उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है इसे उसको ज्ञान शब्द से भी कह दिया। मधु ब्राह्मणम, कहाँ होता है मधु ज्ञान? मधु ब्राह्मण को पढ़ने से। मधु ब्राह्मण कौन सी है? द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण को मधु ब्राह्मण कहते, 2-5 को। तस्मृत्यर्थ उसमें मधु ज्ञाने मने मधु ब्राह्मणे, बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मणे, ऐसा अर्थ समझ लेना। किमिव किसके समान वर्णन किया गया वहां? कहते पृथिव्या उदरे चैव यथैक आकाश हो, जिस पृथ्वी में और उदर में एक ही आकाश होता है, अनुमानेन प्रकाशित, अनुमान कर प्रकाशित कर लिया जाता है तद लोक में तद्वद इत्यर्थ, ठीक उसी प्रकार से आनंद समझा रहे। शब्द से क्वचित आश्रित रूपोदनमीयत है, पहले पृथ्वी में आकाश आदि का वर्णन कैसे हुआ? शब्द से क्वचित आश्रित रूपोदनमीयत, शब्द को कहीं ना कहीं आश्रित है ऐसा आपको अनुमान करना पड़ता है रूप के समान। इस प्रकार तच्च शब्द अधिकरणम सामान्य सिद्धम, तो शब्द का अधिकरण सामान्य रूप से सिद्ध हो गया, क्योंकि जैसा रूप गुण है शब्द भी गुण है, गुणत्व। शब्द क्वचित अधिकरण आश्रितम, कोई न कोई अधिकरण में आश्रित है, गुणत्वात् रूपवत्ति अनुमान बना दिया। इसे क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ शब्द रूप का गुण किसने किसी अधिकरण में है। इन कौन सा अधिकरण में है? पृथ्वी में है क्या, जल में है क्या, तेज में है क्या, वायु है क्या, कौन है वो शब्द का अधिकरण? आकाश कैसे बोल देंगे सीधे, पृथ्वी में क्यों नहीं है? पृथ्वी में जैसा अनेक गुण होता है, इसको भी एक गुण उसी में जोड़ दो, पृथ्वी में मान लो, क्या आपत्ति है? तो उसके लिए परिशेष अनुमान करना पड़ता है। जिस परिशेष अनुमान को इसलिए आनगिर कारण कहा पारिशेष्याद आकाशमति सिद्धम, परिशेषता आप सिद्ध करते हैं आकाश। वही परिशेष अनुमान को नीचे दिया 7 नंबर टिप्पण, शब्द गुण श्रोत्र ग्रहण योग्यत्व सती बहिरिंद्रिय ग्राह्य जातिमत्वात्। यह चक्षु ग्रहण लिखा है ना, हाँ काट दो, श्रोत्र होनी चाहिए। शब्द कैसा गुण है? श्रोत्र ग्रहण योग्य होता हुआ बहिरिंद्रिय ग्राह्य जातिमान होने से स्पर्श अवधित्य अनुमान है ना। शब्द से गुण तो पहले शब्द गुण सिद्ध कर दो, शब्द गुण है ये पहले सिद्ध करना पड़ेगा ना, तब तो गुण तो कहे तो बनाओगे। शब्द गुण है इसे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मीमांसक शब्द को द्रव्य मानते हैं। इसे पहले पूर्व पक्ष क्या करेगा? शब्द गुण सिद्ध करेगा, और वेदांती भी शब्द को गुण चाहता ही है मानना, इसे वेदांती दृष्टिकोण में भी ठीक ही है शब्द गुण है। क्यों? क्योंकि श्रोत्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हुए बहिरिंद्रिय का ग्राही भूता जाति, मतलब कौन जाति होगा? शब्दत्व तद्वान होने से स्पर्शादि के समान इत्यनुमान शब्द से गुणत्व सिद्ध है। शब्द के अंदर गुणत्व पहले सिद्ध कर लो, उसके बाद क्या करना? शब्द क्वचित आश्रित गुणत्वादि, शब्द कहीं ना कहीं आश्रित होगा गुण होने से रूप के समान, ये दूसरा अनुमान बना लिया।
इससे सामान्य रूपेण शब्द का अधिकरण कुछ न कुछ है ये सिद्ध हुआ। अब शब्द अधिकरण सुप्रसिद्ध प्रतिव्यादि द्रव्यों में क्यों नहीं हो सकता? प्रतिव्यादि भूतों में से कोई एक भूत को मान लो, आकाश को मानने की क्या जरूरत है? तब कहते कि देखो शब्दों न स्पर्शो विशेष गुणा, शब्द स्पर्शवत विशेष गुण नहीं। यदि स्पर्शवान का विशेष गुण होता, स्पर्शवत मैंने स्पर्श वाला, स्पर्श वाला कौन है? चार द्रव्य आगे इकट्ठे आपको पृथ्वी, पृथ्वी में कैसा है स्पर्श है ना, जल स्पर्श है, तेज में भी स्पर्श है, वायु में भी स्पर्श, रूप स्पर्शवान वायु, एक में शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशित स्पर्श है। इसे स्पर्शवान द्रव्य गुण हो गया, चार इकट्ठा ले लिया, एक ही अनुमान से चार को खत्म कर देना चाहते हैं, इन चार का विशेष गुण नहीं होगा। शब्द स्पर्शवान द्रव्यों का विशेष गुण नहीं है का मतलब क्या? पृथ्वी जल तेज वायु का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्यों? पट रूपाद विचार वारणा नहीं है, अग्नि संयोग असमय कारणगत भावे सती अकारण गुण प्रत्यक्षत्वात्। क्योंकि हेतु क्या दिया? अग्नि संयोग रूपी असमय कारण वाले नहीं है, क्योंकि चारों द्रव्य कैसा है? पाक संयोग सजन्य है ना, पृथ्वी जल तेज और वायु, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन चारों में आपने क्या कहा? पाकज और अपाकज होता कि नहीं होता है, इनका रूप रसगंध स्पर्श आदि पाकज और अपाकज होते हैं। पाकज का मतलब क्या? विलक्षण अग्नि संयोग का नाम पाक, उसके द्वारा उस कारण से परिवर्तनशील होता है, पृथ्वी का रूप रसगंध स्पर्श जल तेज वायु नित्य गतम नित्य मनित्य नित्य, इतना ही फर्क है जल तेज वायु में, लेकिन इसमें पृथ्वी में परमाणु में भी पाक संयोग से बदल जाता है, इतना अंतर है। इन है सब अग्नि संयोग से परिवर्तनशील, अग्नि संयोग रूपी असमय कारण वाले हैं ये। लेकिन शब्द क्या? अग्नि संयोग से कुछ होगा उसमें, इसलिए अग्नि संयोग रूपी असमय कारण वाला नहीं है। इसे अग्नि संयोग असमय कारण अभावे सती अकारण गुण प्रत्यक्षत्वात्। और दूसरा क्या है? कारण गुण से प्रत्यक्ष नहीं होता हो, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु में आपने क्या देखा? जो कारण में गुण है उसके आधार पर हम कार्य में देख रहे हैं। कारण में लाल धागा था, कपड़ा लाल मिल गया, लाल ही कपड़ा बना, कारणगत गुण के अधीन होता है कार्यगत गुण। लेकिन शब्द ऐसा नहीं है जो किसी कारणगत गुण उठा अतएव कोई कार्य में हम पकड़ रहे हो, ऐसा शब्द किसी कारणगत गुण पूर्वक आया हुआ किसी कार्य में विद्यमान गुण नहीं है, स्वयं आकाश प्रकट गुण है वो शब्द। शब्द किसी कार्य का गुण है क्या? यदि किसी कार्यगत गुण होता तब तो हम उसको मानते किसी कारणगत कारण होगा उसका, जिसमें गुण है जो उससे यह पैदा हुआ है। ऐसे कपड़े में आपने रंग देखा, उस रंग को निर्णय ले लिया, कपड़े का कारण मतलब धागों का रंग से उत्पन्न हुआ रंग है वो, ये ना पट रूपम प्रति तंत्र रूपम असमय कारणम, कहा कि नहीं कहा आपने? पट रूप के प्रति असमय कारण कौन है? तंत्र रूप। उस प्रकार से शब्द नहीं है किसी कार्य का गुण होते हुए उसका कोई असमय कारण भूता कारणगत गुण हो, ऐसा शब्द नहीं है। इसलिए कहते हैं अकारण गुण प्रत्यक्षत्वात्। सुख के समान दृष्टांत क्या दिया? जैसे सुख, इस प्रकार से पाकज रूपाद विचार वारण आया विशेषणांत दिया, पट रूपादि में विचार वारण करने के लिए अकारण गुण प्रकोदा यह उत्तरार्थ दिया, हेतु का दो हिस्सा पद कृति कर दिया। जलीय परमाणु रूपादो व्यभिचार वारणाय प्रत्यक्षत्वात् कह दिया, क्योंकि शब्द का प्रत्यक्ष होता है, जलीय परमाणु के रूप रस गंध स्पर्श आदि प्रत्यक्ष नहीं होते, इसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए प्रत्यक्ष शब्द दे दिया। इस तरह से पृथ्वी जल तेज वायु चार का विशेष गुण नहीं हो सकता। दिक्काल मन में से किसी को ले लो, शब्द न दिक्काल मनसांग गुण, दिक्काल और मन का गुण नहीं हो सकता शब्द। क्यों? विशेष गुणत्वात्, के शब्द विशेष गुण है रूप के समान, और दिक्काल मन में कोई विशेष गुण होता ही नहीं, केवल सामान्य गुण होते हैं उसमें।
नाप्यात्म विशेष गुण अभ्राग आत्मा आत्मा का विशेष गुण मान लो शब्द, कदा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का जो विशेष गुण होता है वह सब मन के द्वारा ग्राह्य होता है, बहिरिंद्री के द्वारा ग्राह्य नहीं है। और शब्द क्या है? बहिरिंद्र ग्राह्य कहां से? बहिरिंद्रिय योग्यत्वात् रूपवत्। इस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु दिक् काल आकाश दिक् काल मन और आत्मा में यह विशेष गुण भूत शब्द नहीं हो सकता। अतः परिषद क्या बचा? एक पंचम भूत मानना पड़ा आकाश, जिसका यह विशेष गुण है। इतन जो शब्दाधिकरणम नवम द्रव्यम गगनात्मकम सिद्धम, इस प्रकार से शब्द का अधिकरण कोई नवा मानना पड़ा, जिसका नाम है गगनम आकाश। उसी प्रकार यहां पर भी मानना पड़ेगा इन सकल अधिभूत और अधिदैवंगा अधिष्ठान भूत अधिकरण भूत इन सब में चेतनता देने वाला, इन सब में जो विद्यमान तेज में अमृत में पुरुष और कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। प्रकाशित तो लोके या यथा तद्वितरतः तच्च कल्पना लाघवाद एकमेव अधिगम्यते। वह भी कल्पना कर लाघव को देखते हुए, जैसे आपने क्या कहा आकाश अनेक है कि एक है? हमने एक कहा। क्यों? लाघव अनेक आकाश मानने में गौरव है, पृथक पृथक अनेक आकाश अनुभव में आता भी नहीं है। जो घटाकाश पटाकाश है वह औपाधिक है, और बाह्य अनेक आकाश मानने में गौरव देखते हुए उन्होंने क्या करा? लाघवात एक मान, जब एक है तो उसको व्यापक मानना पड़ेगा, है ना? एकम विभु और नित्य भी मानना, जब एक है विभु है निरवय है तो नित्य भी है, यद आकाश तद्वद आत्मा भी। तथा च बहिरंतश्च एकमेव आकाशम अनुमान प्रामाण्यात अधिकतम, सर बाहर भीतर सर्वत्र एक ही आकाश अनुमान रूपी प्रमाण से आपने निश्चय कर लिया। उसी प्रकार अधिदैव अध्यात्म इत्यादि सभी के भीतर बाहर सर्वत्र ब्रह्म प्रतीक भूतम सिद्धम, ब्रह्म जो प्रतीक भूत है सिद्ध हो गया। इतने उत्तरार्ध में आज अष्टे इतश्च एकत्व श्रुति नाम तात्पर्यमित्या, इसलिए भी इस कारण से भी एकत्व आपको मानना पड़ेगा श्रुतियों में। और उसी बृहदारण्यक उपनिषद का ये नहीं लेंगे, साथ साथ तैत्तरीय भी लेंगे यहाँ, और साथ साथ कठोपनिषद भी दिखाएंगे। जीवात्मनोर अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते नानात्म निंदते यच्च तदेवं हि समंजसम। इसलिए भी एकमेव द्वितीय आत्मा ब्रह्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि एकत्व की खूब प्रशंसा है श्रुतियों में और नानात्व की निंदा है ना। निंदा का मतलब है वो निषिद्ध पदार्थ है, उसके लिए निंदा है कि श्रुति और युक्ति से जीवात्मनोह मान जीव और परमात्मा के अनन्यत्वम के एकत्व की अभेदेन मैंने एक स्वर से प्रशस्तते प्रशंसा की गई है, और नानात्म निंदते और शास्त्र बाह्य जो नानात्वाद है उसकी निंदा की गई है। अतः एकत्व ही श्रुति एवं न्याय संगत सिद्धांत है। तद इस तद मैंने यच्चयतत जो यह वह एकत्व है वही एवं इस प्रकार से श्रुति एवं न्याय से समझ संभवती मैंने संगत हो गया, युक्तियुक्त बैठ गया, समझना चाहिए। अभेदेन ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, देखो अनुग्री शुरू कर दिया। अभेदेन मैंने ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति इत्यादि ना ब्रह्म भाव फलवादेन फलवादेन फल कथन में स्पष्ट है ना। फलवाद मैंने फल कथन करने वाले श्रुति में जीव ब्रह्म एकत्व तो स्पष्ट ही है। यत् प्रशस्यते तद् विधेयम् इति आदि न्यायात्, क्योंकि सामान्य नियम है जिसकी प्रशंसा वह विधेय है। एकत्व दर्शने फलवादोपत्ति उपलम्भा, एकत्व दर्शन में फल कथन की युक्ति भी हमें उपलब्ध हो रहा है। एकत्वम प्रशस्तत्वात्, इसलिए एकत्व प्रशस्त होने रहते वही सकल श्रुति स्मृतियों में विवक्षित समझनी चाहिए। और यच्च निगतम सर्व प्राणी साधारणम, जो अनेकत्व सकल प्राणियों में साधारण रूप में अनुभव सिद्ध है तद निंद्यमान दृश्यते, उसकी निंदा किया करते हुए देखा गया श्रुतियों में। यन निंदते तन निषिधते इति न्यायात् नानात्वम शास्त्रार्थो न भवति, इसे नानात्व शास्त्र के द्वारा विवक्षित लक्षित पदार्थ नहीं है। तद उभयम एकत्व प्रशंसनाम नानात्व निंदनं च एकत्वमेव, इसलिए एकत्व की प्रशंसा नानात्व निंदन ये सारी चीजें
एकत्व ही शास्त्र के द्वारा कथित वस्तु है, यह प्रतिपादन करते शास्त्रीय मिति अभ्युगते सति युक्तमिति फलितं वाह तदेवम इत्यादि। यत युक्तितः श्रुतितस्य निर्धारितम्, जो युक्ति से और श्रुति से निर्धारित है, जो युक्ति से और श्रुति से निर्धारित है, जीवस्य परस्य आत्मनो, जीवात्मा और परमात्मा का जीवात्मा और अनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते, अनन्यत्व एकत्व उसको अभेद के द्वारा प्रशंसा की गई है, माने एक रसत्वेन फलवादों के द्वारा एकत्वेन उसकी प्रशंसा की गई। स्थूयते किनके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, श्रुति के द्वारा और व्यासादिभिश्च, व्यासादियों के द्वारा, व्यास पराशरादिभिश्च वेदार्थम व्याचक्षाणैर एकत्वं स्तुयते। कहते हैं व्यास जी, पराशर इत्यादि लोग भी अपने अपने स्मृति ग्रंथों में भी खूब अच्छी तरह से एकत्व स्तुति के, वासुदेव सरमिति समहाता सौरलभ गीता, अहम हरि सरमिदम जनार्दनो नान्य तथा कारण कार्य जातम, मई हरि हूं यह सब कुछ सर्वमिदम जनार्दन, यह सब कुछ जनार्दन ही है, नारायण से अलग कुछ नहीं, नान्यत किंचित तथा कारण कार्य जातम, उससे अलग कोई कार्य कारण समूह नाम का वस्तु संसार है नहीं, इत्यादि वक्य रीत्या। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, कहा कि नहीं कहा, कोई भेद नहीं है। भ्रांति से दिख रहा है ना, जब भ्रांति से सिद्ध वस्तु से भिन्न, वो भिन्न कहां से होगा? अधिष्ठान से। यह सर्प अपने अधिष्ठान रज्जु से भिन्न नहीं होता, सर जगत जो भ्रांति है उस अधिष्ठान हरि से भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए बात सब कही जाती है। मान करके ये दिखाई दे रहा है हरि से भिन्न वह भ्रांति है। भाष्यम यदि, लेकिन जो सभी का अनुभव है, मैं अलग आप अलग सब अलग अलग है, यच्च सर्वप्राणी साधारण स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत ही कुतार्किक विवर विरचितम नाना दर्शन निंद्यते, और जो सर्वप्राणियों की अज्ञानी जो सामान्य है, सभी के अनुभव सिद्ध जो स्वाभाविक शास्त्र से बहिष्कृत कुतार्किकों के द्वारा विरचित नानात्व दर्शन है, उसकी निंदा की गई है श्रुतियों में। न तो तद्वितीय अस्ति वृदारण्यक 4:3:23, द्वितीयाद्वै भयं भवति 1:4:2 वृदारण्यक उदरम अंदरं गुरुदे अतः तस्य भयं भवति, तैत्रीय 2:7:1 जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय हो जाता है। इदं सर्वम् इदं महात्मा वृदारण्यक 2:4:6 और 4:5:7 दो बार आया है, मृत्यु से मृत्यु में आपने यही नाने पश्यति कठोपनिषद 2:1:10 जो या थोड़ा सा भी भेद करके देखता है नाना ही व नाना के समान भी देखने लगता है इस ब्रह्म के विषय में, वह मृत्यु से भयंकर अविद्या भी महामृत्यु को प्राप्त कर जाता है, इत्यादि वाक्यों के द्वारा अन्येश्च ब्रह्मविद् भी, इत्यादि वाक्य ही और अन्येश्च ब्रह्मविद् भी और अन्य जो ब्रह्मवेत्ता व्यास पराशर इत्यादि उनके द्वारा भी कहा गया है। ये चैतदेवम ही समंजसम ऋज्वबोधम न्यायम इत्यर्थः, यह चेतक जो ये बात है तदेवम, यह ऐसा मानने पर ही समंजस होता है, ऋजु अवबोधम न्यायम सरलता पूर्वक सीधा साधा सुखावसेम अनायास ही ग्रहण कर लेना ही उचित होता है। न्यायाद अनभेदमिति न्यायम, समंजसम की व्याख्या ये इत्यर्थः। और यह सु तार्किक परिकल्पिता, और जो तार्किकों के द्वारा परिकल्पित है, कुदृष्टया कुदृष्टया कुदर्शन है, न्याय मीमांसा सांख्य योग वगैरह जैन बौद्ध जितने भी हैं, ता अनृज वे ऋजु नहीं है, अनायास अनु समझ में आने वाला नहीं, बल्कि कोई पंक्ति को कठिन करना है उसे न्याय जोड़ दो, अवच्छेद का अवच्छिन्न जोड़ दो, दिमाग खराब हो जाएगा, पकड़ में आएगा नहीं क्या बोल रहे हैं ये, इसे अनृज निरूप्यमाण अन्याया न्यायुक्त नहीं है, सरलता पर समझाने योग्य नहीं है, बड़ी कठिनता पर का अवबोध होता है, इसलिए न घटना प्रामचंती इति प्रायः, इसे संभावना को वे बिल्कुल प्राप्त नहीं होते, घटना मैंने संभावना, इसे उनकी संभावना ही नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। मैंने द्वैत को प्रतिपादन करने वाले न्यायादि दर्शनों का जीवन में गुंजाइश ही नहीं है, बेकार इनको पढ़ना, कहेंगे आप क्यों पढ़ाते लघु से लेकर सारा पढ़ाया आपने, अरे वो बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए, शब्दार्थ ग्रहण करने के लिए व्याकरण की जरूरत है, और
बुद्धि को तिष्ठ के बिना वेदांत समझ में नहीं आना है, बुद्धि को पैनी करने के लिए बाकी सब दर्शन में थोड़ा बुद्धि को घिसना पड़ता है अच्छी तरह से। ये सब दर्शन अन्य जितने भी हैं न्याय मीमांसा सांग योग और जैन बौद्ध चारवाक आदि, ये केवल क्या करते हैं, क्योंकि दूसरी बात यह भी है आपका जीवन शुरू कहां से हुआ है, आप कहां से आए, कहां से आए आप, घर से आए है ना, घर में क्या है पूरा चारवाक है, हर घर लगभग चारवाक है, खाओ पियो कमाओ खाओ कमाओ खाओ सो बस, और करना क्या है, थोड़ी बहुत भजन वजन दो, भाई आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, अरे बड़े नास्तिक आदमी है तो लच्छा ही है, इसे मजबूरन थोड़ी बहुत कीर्तन वर्तन भजन कर लेते हैं, आरती वारती घंटा वंटा बजा देते हैं, दिवाली फटाखा नहीं फोड़ कहेंगे तो मुसलमान लगता है ये नहीं फोड़ रहा, इसे मजबूरन फोड़ना पड़ता है, कुछ खर्च करते हैं, हर काम ऐसे लगभग समाज की वजह से, समाज में निंदा का भय से लोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप में क्या है, सभी का एक ही मत है खाओ पियो चारवाक। हम लोग आए ही एक तरह से मूलभूत चारवाक सिद्धांत वाले घरों में पैदा होकर सभी लगभग आते हैं, सब लगभग, कोई कोई होता है जैसे भगवान ने कहा ना योग भ्रष्ट हो भी जाए थे श्रीमदाम कुले, कोई कोई तो होता है, सब थोड़े में वहां पैदा हो गए, जैसे चारवाक दर्शन का अभ्यास है उसी के संस्कार दी उसी का बीज लिया हुआ है, इसे हम लोगों के दिमाग को वहीं से शुरू करते हैं, सबसे पहले चारवाक दर्शन, फिर जैन, फिर बौद्ध, उत्तर उत्तर आगे बढ़ाएंगे, फिर सांग, फिर योग, फिर न्याय, वैशेषिक मीमांसा, तब अंत में वेदांत। तो बुद्धि को घिस घिस के घिस घिस इनके माध्यम से खूब पैनी कर स्त्रीक्षित्र वगैरह बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शन भी कटो प्रसिद्ध कहता है, सूक्ष्म बनानी पड़ती है बुद्धि को, उसके लिए अंदर घुटाई करना पड़ता है, जैसे सानी का पत्थर के ऊपर आप चाकू को खूब पैनी कर देते, तलवार को पैनी की जाती है, हर चीज को पैनी किया जाता है, तभी अनायास कार्य सिद्ध हो जाती है, जिस तलवार के धार नहीं है उसे किसी गर्दन क्या काटोगे, कोई चीज सब्जी भी नहीं कटेगी, आप पहले ही बना दो अनायास, एक बार यूं हल्के में चला जाए बस गर्दन अलग हो जाएगा, इसे पहनी रहेगी तो असंग शस्त्र ने दृढ़ छित्वा अनायास हम संसार को सब काट फेंक सकते हैं, यदि हमारी बुद्धि पहनी हो जाए, उसके लिए सब दर्शन की जरूरत है, इन्हें की बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ अद्वैत वेदांत दृष्टिया जहां पर हम आते तो कहेंगे सब कुदृष्टियां हैं, ये सब दर्शन कुदर्शन है, व्यर्थ मिथ्या है, कोई संभावना ही नहीं है जीवन में, ऐसी इति भी प्राय हो गई।